रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। रूस को लेकर ब्रूनो कहल ने बड़ा बयान दिया है, पूरे पश्चिमी देशों से जंग चाहते हैं पुतिन। ये कह रहे हैं ब्रूनो, सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहना चाहते व्लादिमीर पुतिन, ये कहा गया है। तो ये जो बयानात हैं, इसे कोचर साहब आप किस तरह से देखते हैं, और वाकई क्या रूस की ऐसी कोई मंशा नजर आती है? क्योंकि अभी तो जिन चार प्रांतों का विलय किया वहीं पर कब्जा करना दूभर हो रहा है, पूरे यूक्रेन और यूक्रेन से बाहर की सोच, इसके कोई मायने कोई मतलब इस वक्त है क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरी जो असेसमेंट बोलती है कि अभी ये लड़ाई यूक्रेन तक सीमित है और रशिया की कोई इंटेंशन नहीं है वेस्टर्न नेशंस को अटैक करने की या नेटो के ऊपर जाने की। अगर रशिया को कंपेल किया जाएगा वो दूसरी बात है, और इसीलिए ये न्यूक्लियर मैसेजिंग हो रही है। और दूसरा एक चीज और है, जब अगर रशिया ने न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, ये अपने बॉम्बर्स को लेके नहीं आएगा। लेकिन सर, एक तरह से डराने की कोई जो युद्धाभ्यास हो रहा है, और अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि न्यूक्लियर युद्धाभ्यास रशिया कर सकता है।